बस ठीक है ठीक है दिख रहे हैं। हाँ चलो आ जाओ चलिए सर। हाँ यस मैं तो बोलूंगा कसीम बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आदमी है। जो भी काम है वो ऐसे कि इसने गाना लिखा भी है ना? लिखा भी है, एक्ट भी किया और बहुत बढ़िया लिखा है। मजा आया गाना देख के। बस कसीम तेरा सपना पूरा नहीं हुआ, इसका सपना पूरा नहीं हुआ। एक्चुअली तो ये सपना देख रही थी वो पूरा नहीं हुआ, पर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। एक रील बनने वाली है बहुत जल्दी, समझ जाओ। एक्चुअली सपना पूरा होगा इसके पार्ट टू में, मुझे लग रहा है। पार्ट टू भी बनेगा, पार्ट टू, पार्ट टू में सपना पूरा होगा। हाँ नहीं बहुत बढ़िया मजेदार गाना है, प्लीज वॉच करें। हर जगह है, जितने भी सब देख लिया नीचे हर जगह स्पॉटिफाई वॉटिफाई भी ये गाना देख सकते। कब है इसका लॉन्च टाइमिंग? ऑनलाइन हो गया? ऑनलाइन देखिए भाई, मेरे साथ चलो। आपको समझना पड़ेगा ये गो गेटर टाइप का आदमी है, मेहनती आदमी है। जो भी हम इसको कभी भी कोई भी काम बोलेंगे, मैं देखा इसने पूरा कर दिया उस काम को। तो सडनली इसका आया कि मैं गाना कर रहा हूँ, मुझे गाना कर रहा है और देखा तो ये गाना इसने वाकई बना दिया और बहुत बेहतरीन बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। बस एक इस गाने में एक किस है वो मैं पूछना चाहूंगा बाद में, साइड पे इसको पूछने के वो उंगलियों का क्या चक्कर था वो मैं जानना चाहूंगा कि आई थिंक तूने ही बोला होगा मैं उंगली रखूंगा, सच बता इसका ही था। तो दैट्स वंडरफुल, एक कॉन्जर्वेटिव भी हो सकते हैं और गाना बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्सी गाना, रोमांटिक गाना है, लेकिन उसको थोड़ा सा माँ बाप के डर से शायद कुछ कंट्रोल करके दो उंगलियों के साथ एक शॉट लिया है। तो वंडरफुल, बट तू ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, हमारी दुआएं तेरे साथ हैं, बहुत प्यारा आदमी है तू और खुदा हमेशा तुझे ब्लेस करे। अपने अनुभव के बारे में, अभिनय क्षेत्र का जो अनुभव रहा और सलीम ये कसीम भाई में है जी। कसीम को मैं जानता हूँ कलम की सिफायत भी रहे हैं शुरू से, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अदाकारी की है वो काबिल तारीफ है। श्रेय ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मेरी दिल से दुआएं हैं कि दिंदुनी रात चौगनी तरक्की करें। और कसम खा के कह रही हूँ भैये, मैं भी ये जानना चाह रही हूँ कि तुमने दो उंगली रखी तो क्यों रखी है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। और आई एग्री विद दारा सर, बिंदु दारा सर कि टैलेंट के सामने नेपोटिज्म हो या कोई भी चीज़ हो घुटने टेक देती है, टैलेंट के सामने कुछ नहीं। और टैलेंट ही है, जिस तरह से पानी को कोई बांध नहीं रोक सकता और ऐसी ही टैलेंट को कोई सरक नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया था, इट इज अ वन डे शूट, एक ही दिन में ये गाना हमने कंप्लीट किया, गोवा और मालदा। वाह, और ये मुझे भी रीजन नहीं पता आपने तो बोला नहीं था, बोला इसी में होगा मेरे लिए। मैंने बहुत कोशिश की है अपने आप को डेवलप करने की और कर भी रहा हूँ, और ये मेरी कोशिश का पहला नतीजा है जो आप देख रहे हो। अच्छा गाना किया तो मैंने कब प्रेस भी करूँगा, तो अभी आपके सामने कसीम कहाँ रख के रहने वाले हो? पहली बार कैमरा कब प्रेस किया था? मैंने कैमरा शायद 12 या 14 साल पहले किया था जब मैं लॉन्चिंग करता था, तो वहाँ से डर निकल गया है कैमरे का। कैमरा फेस करना मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टेज बाय स्टेज चढ़ा हूँ तो बहुत टाइम हो गया, 17-18 साल हो गए। मैं नजीबाबाद से हूँ सर। आपसे आप खुद इन्फ्लुएंसर हो, रियलिटी शो का हिस्सा हो, एक आर्टिस्ट बनना कितना बड़ा चुनौती है, कितना बड़ा एक संघर्ष कर सकते, क्या है बेसिकली बनी हो? ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स अ वेरी बिग चैलेंज टू बी एन आर्टिस्ट, बिकॉज एक आर्टिस्ट बनने के लिए इंसान को सिर्फ टैलेंट की नहीं और भी काफ़ी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। किस तरह बात करनी है, किस तरीके से उठना बैठना, हाउ टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मीडिया, हाउ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन लाइक फ्रंट ऑफ पब्लिक, बिकॉज चाहे हमारे घर में कुछ भी चल रहा हो लेकिन हमको पब्लिक के सामने एकदम खुशी दिखाना पड़ता है कि येस वी आर हैप्पी, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू सी हैप्पी फेसेस। कि सेलिब्रिटीज़ तो सिर्फ खुशी रहते हैं, दे आर टू फैशनेबल, दे आर वो तो सिर्फ हंसते खेलते रहते हैं, सेलिब्रिटीज़ का दुख है ना किसी को नहीं देखना है। सो ऑफकोर्स इट्स ए वेरी चैलेंजिंग फॉर लाइक एवरी आर्टिस्ट कि अपने आप को एक आर्टिस्ट बना सके, बट आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने इतना अच्छा उमदा सॉन्ग निकाला है एंड इट्स वेरी सुपर सेंशुअस मेरी रील्स की ही तरह। एंड जो दो उंगलियों की कसर आपने छोड़ी है वो मैं पूरी करूंगा और पूरी कर दूंगा, डोंट वरी। और ईशान भी एक कसम खा के कह रही हूँ, इस गाने पे रील तुमने नहीं बनाई तो गुर्दे छील लूंगा। आमिर आमिर सर, आपके को घरेलू संबंध है कसीम से? क्या आमिर सर मेरे बच्चे जैसे हैं, मेरी फिल्मों में भी काम किया है और बहुत ही अच्छे हैं, मल्टी टैलेंटेड जैसे सलीम साहब ने बोला ना,
कि मैं मल्टी टैलेंटेड है, कोई ऐसा काम नहीं है कोई नहीं कर सकते, और जो ठान लेते हैं वो करते हैं। ये गाना यहाँ रिलीज होने से पहले भी मैंने देखा था, मुझे बहुत पसंद आया था, वहीं भी वहाँ भी मैंने मुबारकबाद दी थी, और आज भी इनको मुबारकबाद देने दुआ लेने आ गया। थैंक यू, कॉम्प्लीट करता हूँ कसीम को और उनकी पूरी टीम को। जाहिर सी बात है बिंदू दारा सिंह साहब की प्रेजेंस यहाँ पर आप सब लोगों को दुआएं देती है और सक्सेस के लिए इंकरेज करती है। दिनेश भाई इतने बड़े आर्ट डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के, मुझे तो मालूम नहीं था, मैं तो वैसे आया था, साथ में आ गए, आप लोगों को दुआएं दुआई। भाई ने भी बहुत अच्छी बात की, आपने नेपोटिज्म की बात की। देखिए भारत प्रतिभाओं का देश है और कोई किसी को रोक नहीं सकता। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो जिस तरह से बहता हुआ पानी अपनी जगह बनाते हुए पत्थर को भी चीर के निकल पड़ती है। भारत प्रतिभाओं का देश है। आपने पूछा नजीबाबाद बिजनौर से आए, गाँवों का देश है और यहाँ की ज़्यादातर प्रतिभाएँ गाँवों में रहती हैं, निकल के मुंबई शहर में आती हैं। भाई ने बहुत अच्छा कहा बिंदु दारा सिंह साहब, आप अगर एक बड़े सक्सेसफुल स्टार के बेटे हैं तो एक दो तीन फिल्मों तक आपको पुश किया जा सकता है, उसके बाद फाइनली ऑडियंस आपके कला को ही अप्रिसिएट करेगी, अदरवाइज आप फ्लॉप हो जाएंगे या घर में चलेंगे। तो जिसके पास प्रतिभा है वो आगे आएगा, और मुबारकबाद देता हूँ आज की सक्सेस जर्नी को। और मालूम है कि अभी जस्ट इस महीने में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का दिन वो था, अपना डेथ एनिवर्सरी 21 मई को, और IT को इंडिया में वो लेके आए थे, और जब उन्होंने कहा था मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हूँ और हर हाथ में एंटरटेनमेंट का सामान होगा ये मोबाइल, तो लोगों ने मजाक समझा था, लेकिन उन्होंने साबित किया, और आज ये एल्बम को हम अपने मोबाइल में हर जगह देखेंगे। मैं अपील करता हूँ सब्सक्राइब करें और देखें। दिनेश भाई आप बताइए कितना पोटेंशियल देखते हैं, आगे का भविष्य क्या है इनका, कसीम जी का? ये मेरे अच्छे दोस्त है, कसीम भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, ये अच्छा लिखते हैं, मुशायरे बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन कैमरे के अभी कॉन्फिडेंट है मुझे पता नहीं था, इनको देख के बड़ा अच्छा लगा, इनका फ्यूचर बड़ा ग्रेट है। थैंक यू सर। जाना चाहूँगा कसीम हैदर जी का जो नया म्यूजिक वीडियो है, अच्छा लगा, क्या कहना चाहेंगे इनके पर्सनैलिटी के बारे में, इनका जो एक्टिंग एबिलिटी है उसके बारे में? लाइक टैलेंटेड तो बहुत है ये, इनकी शायरियाँ मैंने सुनी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है, और अभी एक गाना देख के तो मतलब जोन ही चेंज हो गया कि लाइक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, और सच में देख के अच्छा लगा, और डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, मुझे कुछ सीन बहुत मतलब ऐसे लगे कि यस मज़ा आ गया देख के। लास्ट के भी डायरेक्टर साहब ने तो बहुत अच्छा मतलब काम किया है इसमें, कुछ बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स मुझे लगे, और गाना भी बहुत अच्छा था, स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छी थी, बाकी लग नहीं रहा था कि ये एक्टर भी इतने अच्छे हैं। बाकी श्रेया आपने बहुत अच्छा काम किया है माशाल्लाह, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अच्छे से काम करते रहिए। वही था, मैंने फर्स्ट टाइम मतलब इनको देखा था, केवल शेर शायरी ऐसी हमने सुना हुआ था, मतलब हमारे लिए एज अ एक्टर इनको देखना बहुत फर्स्ट टाइम ही था, और जो इन्होंने किया वो बहुत ही अमेजिंग है, और श्रेया को भी हम फर्स्ट टाइम इन्हीं के थ्रू मिले थे, और अभी मतलब फर्स्ट टाइम ही मैंने इनका एक्ट देखा, बहुत ही अमेजिंग, मतलब हमारे लिए पर्सनैलिटी एकदम बोलते ना चेंज हो जाती है, तो वो फर्स्ट टाइम हुआ क्या एज ए एक्टर भी हम उन्हें देखते। मुझे भी अच्छा लगा गाना, एक्चुअली हम लोग पहले देखे हुए थे, बट अब देखकर बहुत अच्छा लगा, वो सबसे ज्यादा वो हार्ट वाला सीन मुझे अच्छा लगा, जो ड्रोन एक हार्ट वाला और एक वो सन वाला, बीच वो सन वाला तो सनसेट वाला बहुत अमेजिंग, फुल बहुत मुझे तो बहुत अच्छा। हो गया, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? इसके बाद एक और शो शायद नेक्स्ट वीक या 10 जून के बाद में जाने वाला हूं राजस्थान, और मैं डायरेक्ट 3 गाने शूट कर रहा हूं। क्या जी आप बताइए क्या क्या इसके बाद बताइए क्या क्या चालू है? अभी इनका मराठी सीरियल खत्म हुआ है, जय जय स्वामी। बॉलीवुड ड्रीम जो है उसके बारे में, सॉरी बॉलीवुड ड्रीम हिंदी प्रोजेक्ट के बारे में। हिंदी के भी सीरियल्स मैंने किए हैं, तुमसे है रात तक किए हैं, और गाने ये मेरा पहला गाना है हिंदी का, बाकी इससे पहले मैंने मराठी गाने बहुत किए हैं, सीरियल्स किए हैं हिंदी के, मराठी सीरियल्स भी बहुत किए और मूवीज भी किए हैं। मोनिका इन्होंने गाने को डायरेक्ट म्यूजिक दिया है, ये मास्टर और मिक्स किया है सुशांत सिद्धेश भाई, और ये बहुत साथ सपोर्ट में मेरे हमेशा रहे खड़े रात दिन, तो आप पूछ सकते हो। डायरेक्टर हमारा काम नहीं है, मैं निकल नहीं रहा हूँ। एक्टर काफ़ी दोनों एक्टर बहुत मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि हमने जो 3-4 दिन हमने बहुत डिस्कशन किया, डिस्कशन के बाद बहुत सारे आउटपुट निकले, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन किया, क्योंकि हमें शूट सिर्फ 1 दिन करना था, पहले तो प्लान था 2 दिन करेंगे, फिर लास्ट में जाते जाते हुआ कि नहीं 1 दिन करना और तुरंत आना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं था,
तो हमने जल्दी जल्दी में ही किया, बट बहुत सपोर्टिव एक्टर है। और श्रेया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, क्योंकि ये पहले काफ़ी काम कर चुकी है, भले हिंदी में ना कर रहे काम, जो मराठी का एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आया यहाँ पे। म्यूजिक में थोड़ा सा टाइम लगा, एक दो महीने के आसपास में लगे, और कसी ने बहुत ही अच्छा लिखा है गाने को, तो जब इतने अच्छे लिरिक्स आते हैं सामने तो ट्यून भी, हाँ कसी इज द राइटर ऑफ दिस सॉन्ग, तो जब इतने अच्छे सामने लिरिक्स आते हैं तो फिर ट्यून भी आपके सामने ही है, और उसको सिद्धेश ने इतना अच्छा मिक्स और मास्टर किया है, तो आज हम इसको इतना अच्छा सुन पा रहे हैं। एक महीने की मेहनत को सिर्फ दो दिन में क्लास लगा दिया पूरा। कितना प्रेशर था दो दिन के अंदर? प्रेशर एज सच कुछ नहीं था, बिकॉज ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो इनसे अबाउट नौशाद, दैट उसने भी एज अ डायरेक्टर कभी प्रेशर नहीं डाला। एंड ओनली थिंग आई कैन से दैट व्हेन आई गॉट द सॉन्ग, वी मिक्स्ड इट इन पुणे बेसिकली, सो व्हेन आई गॉट द सॉन्ग एक या दो बार ही हमारी बात हुई एंड ही क्लियर्ड मी कि ऐसा ऐसा मुझे टोन चाहिए गाने का, ऐसा ऐसा मुझे पंच चाहिए गाने का। And luckily I was able to produce it, so like the team is happy, so I'm also happy. नहीं, सबसे बड़ी बात थी है कि प्रशांत भाई को मैंने जब मास्टर गाना भेजा, इन्होंने कहा ठीक है कसीम, रेडी रेडी, अच्छा किया है मास्टर मिक्स, बिना मतलब सिर्फ एक बार सुना है, अच्छी चीज़ को सोचिए कितना अच्छा मास्टर किया है, अच्छी चीज़ को बार बार सुने से वो दो तीन सीन्स बहुत अच्छे अच्छे हैं जो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, जो सन के सामने बाल आपने उड़ाया है वो वाला, वो सारे सीन्स। All right, thank you so much guys. Thank you. Thank you very much. Thank you.